श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसे समाज के बारे में जहाँ की महिलाएं हिरण को बच्चों की तरह पालती हैं, माँ की तरह, और अपना दूध तक पिलाती हैं। राजस्थान के विश्नोई समाज की महिलाएं हिरण के बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह पालती हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपना दूध भी पिलाती हैं। राजस्थान में करीब 500 सालों से विश्नोई समाज के लोग जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते आ रहे हैं। विश्नोई समाज की महिलाएं जानवरों को पालती हैं और साथ ही अपने बच्चे की तरह उनकी देखभाल करती है। सबसे अच्छी बात यह है न सिर्फ महिलाएं बल्कि समाज के पुरुष भी लावारिस और अनाथ हो चुके हिरण के बच्चों को अपने घरों में परिवार की तरह पालते हैं। इस समाज की महिलाएं खुद को हिरण के इन बच्चों की माँ कहती हैं अपने आप को। अभी विष्णुई समाज क्या है? विष्णुई समाज को यह नाम भगवान विष्णु से मिला है। विष्णुई समाज के लोग पर्यावरण की पूजा करते हैं। इस समाज के लोग ज्यादातर जंगल और थार के रेगिस्तान के पास रहते हैं, जिससे यहाँ के बच्चे जानवरों के बच्चों के साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। ये लोग हिंदू गुरु श्री चम ईश्वर भगवान को मानते हैं। वे बीकानेर से थे। इस समाज के लोग उनके बताए 29 नियमों की कड़ाई से पालन करते हैं। अभी आपको पता है जोधपुर से सटे खेजड़ली गांव में वर्ष 1736 में खेजड़ी की रक्षा के लिए विष्णुई समाज के 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। उस वक्त खेजड़ली के वो आसपास के गांव पेड़ों की हरियाली से भरे हुए थे। दरबार के लोग खेजड़ी में खेजड़ी के पेड़ काटने पहुंचे। ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पेड़ नहीं काटे, लेकिन वे नहीं माने। तभी खेजड़ली की अमृता देवी विष्णोई ने गुरु जम्बेश्वर महाराज की सौगंध दिलाई और पेड़ से चिपक गई। इस पर बाकी लोग भी पेड़ से चिपक गए। फिर संघर्ष में एक के बाद एक 363 लोग मारे गए। विष्णुई समाज ने इन्हें शहीद का दर्जा दिया। अंगियाद में हर साल खेजड़ली में मेला भी लगता है। अमृता देवी के नाम केंद्र और कई राज्य सरकार पुरस्कार देती है। ये जो जानवर जितने होते हैं ना, ये लोग सब भाई बहन की तरह रहते हैं। और बच्चे जो हैं यहाँ रहने वाले जो विष्णुई समाज है कहते हैं कि मैं हिरण के बच्चों के साथ ही बड़ी हुई हूँ, वे मेरे बड़े भाई बहन जैसे ही हैं। ये मेरी ड्यूटी है कि उन्हें हिरणों को कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वो हमारी भाषा अच्छी तरह से समझते हैं। 1998 में यहाँ की विष्णुई समाज ने सलमान के खिलाफ हिरण के शिकार का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद जब सलमान जयपुर मैराथन में भी हिस्सा लेने पहुंचे, उस वक्त भी विष्णुई समाज ने उनका कड़ा विरोध किया था। इस मामले में सलमान खान को जेल भी हो चुका है, हालांकि बाद में वो कोर्ट से बरी कर दिए गए, एक अलग चीज है। पर यह उनका प्यार है हिरणों के प्रति, वहाँ के पर्यावरण के प्रति, वहाँ के पेड़ों के प्रति। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।